यू गाइस आयल मैंने क्या लाया यूस मरिक से चिशने ये भी होने केज क्या दिमो ये लगी बहुत सारे बोलते हैं कि गगन भाई जो गिव अवे करते हैं वो फेक होता है। बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं कि आप शिया हो या सुन्नी हो। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको सलामत से रखे। सो गाइज वेलकम बैक टू माई YouTube चैनल जिसका नाम है वॉनी टॉक्स। करते हैं आज का फ्रेश न्यू व्लॉग स्टार्ट। चैनल पर आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। सुबह के 8 बज गए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से मैं फ्रेश हो गया और अभी ब्रेकफास्ट नहीं किया। ब्रेकफास्ट करें बिकॉज मैं अभी ना अभी तक वर्कआउट कर रहा था, मतलब कार्डियो टाइप, तो अब मतलब बेस्ट लग रहा है। सुबह सुबह वर्कआउट करने से इंसान बेस्ट फील करता है। आज जो है ना, आज आलमा को जाना है घर और मैं ना बहुत ही सैड हूँ बिकॉज उसकी वजह से हमारा घर जो है ना वो दो तीन दिन खिल गया था। लेकिन आज उसको जाना है घर क्योंकि उसकी समर वेकेशन ख़त्म होने को है और उसने बोला अभी मैंने होमवर्क भी नहीं किए इसीलिए मैं जाऊंगी घर। अगर समर वेकेशन होती तो मैं बैठती यहीं। तो चलो क्या करें, आज उसको घर ड्रॉप करेंगे। मेरे बड़े भाई अभी ना नीचे जाते हैं, ब्रेकफास्ट कर लेते हैं और वहीं से फिर आलमा को भी बाय कहते हैं। सो देखते हैं आज के इस व्लॉग में क्या होगा क्या नहीं होगा। बस इतना कहूँगा कि व्लॉग पर बने रहना। आलमा तो अभी सोई हुई है, देख सकते हो आप। आई थिंक आलमा कल बहुत थक गई है बिकॉज ये थे कहाँ, चराइल शरीफ यूस मरग में। मैं नहीं था बिकॉज मुझे काम था थोड़ा बहुत, और ये और जिया और मेरा बड़ा भाई गया था, तो दैट्स व्हाई ये आज इतनी देर तक सोई हुई है। माशाल्लाह आलमा को हम ऐसे सोने देते हैं और हम करते हैं खुद ब्रेकफास्ट। हाँ जी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है। ये चाय मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, कश्मीरी नून चाय, इसको शीर चाय भी बोलते हैं। क्या इसकी ब्रूमोट है शीर काढ़ा, मतलब काढ़ा से ग्रह दिवान पता चलता शीर। तो ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। चलो सो ये रहा मेरा ब्रेकफास्ट। यहाँ से उठ गई है आलमा, अभी आलमा को कंघी उतार दी। तो आज गए शुभ सीर था मत हाँ जो सुख थोक मत हो ये समझ के आमद मजन है। चलो वाल कंघ तो पाद करो ब्रेकफास्ट दोनों बारे खाओ से थक गए बस नियर छोलन बहुत नियर। अच्छा आज भी बैठोगे यहाँ? आप तो कल मुझे बोल रहे थे नहीं मैं नहीं जाऊंगी घर है। अच्छा पियो चाय आओ खे। वैसे ये ना तो चाय पीती है ना तो खाना खाती है। आई डोंट नो कि आजकल के बच्चे क्यों चाय नहीं पीते और खाना क्यों नहीं खाते हैं। देखो गाइस आलमा ने क्या लाया है यूस मरिक से। ये किसके लिए लाया? खुद के लिए। इसके साथ खेलोगे आप या चाय पियोगे? इसमें कितनी चाय आएगी? अच्छा जितना पीती हो उतना ही। वाह देखो ये सामान इसने बांध के रखा, अभी ये निकलने की तैयारी में है। ये बोल रही है कि मुझे आप ड्रॉप कर लो लेकिन मुझे लगता है मेरा बड़ा भाई इनके साथ जाएगा है ना है? स्केल देखनी है चाहो ना इतम से कम से चाहो ज्यादा मज मैसेज चेक कटी मतलब मैं क्या ही बता दूं, मतलब आलमा को इतनी जल्दी ये घर जाने की, देखो विद इन 2 मिनट चाय ख़त्म करके इसने यहाँ से कपड़े पहने। तो कैसे लगे इस फल्ला चिशने ये भी होने कैसे? चलो भैया मैंने मगर सवेद किया। चलो बाय 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 तो उसने तो लेट भी हो तो कैसे बैठ सकते ये माने हाँ अभी आलमा और मैं आए हैं बर्गर खाने लेने के लिए। डब थोड़ी ना कुछ थे तुम कुछ थे त्रेन है तो चलो क्या पापा तो ना क्या वो ना सही है
बाकी हमने यहाँ से रोटी ली, खास गाइड जल्दी अलवा, चलो गर्ल, चलो गाड़ी में चलो, बस है जानू बार बार क्या शुकान अलवा सेवत पकना थी मास मार खस अलमा बाय मामा जी क्या जबरदस्त कमीजदार शीत आसान ऑलवेज बढ़िया क्या दियो पक पक सर चलो वहीं करिए हैं चलो तुलनी और खड़ा है साहब जिया और आलमा घर गई मुझे ना उनकी बहुत ज़्यादा याद आएगी खासकर आलमा की आलमा ना बहुत ही क्यूट बच्चा है हद से ज़्यादा क्या करें घर जाना था तो अभी ना मैं यहाँ से तैयार हो गया थोड़े कपड़े शपड़े लगाए मैंने इस पर देखो कितनी छींटे हैं तो अभी मुझे जाना है यहाँ से त्राल बिकॉज वहाँ ना मुझे शाकिर फ़ोन कर रहा था कि आप यहीं आओ कुछ काम है तो मैं बोला चलो ठीक है मैं आता हूँ बाकी आज मुहर्रम चल रहा है तो मुहर्रम की रेस्पेक्ट किया करो आपको बताइए कि मुहर्रम में 10 मुहर्रम में जिसको आशूरा बोलते हैं हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत हुई है तो ये देखो या गाजी अब्बास और या हुसैन बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं कि आप शिया हो या सुन्नी हो सो ये आपको Q&A में पता चलेगा जो हमने पोस्ट डाला था Q&A के लिए ये तो इंशाल्लाह कल या परसों वो Q&A आएगा इंशाल्लाह जोर कर बहुत टाइम के बाद मैं गगन और शाकिर से मिला आफ्टर ऑल नहीं पहलगाम गए थे ना पहलगाम के बाद मिला मैं शरह जरियात गगन भाई आपसे एक बात कहनी आज मुझे आपको एक्सपोज करना है कर था एक्सपोज ये दुनिया करन तो इंसिति अगर शिकायत भारी क्या शिकायत कितने की व्यूज के अभी तक क्या दलील गई उमर यार पानी तो थी मगर क्या हो रही है देख रहे हो इस बंदे को यहाँ से आ गई चाय बस गगन बताना जो बहुत सारे बोलते हैं कि गगन भाई जो गिव अवे करते हैं वो फेक होता है क्या सही है वो तो फेक नहीं है अभी तक कितने पैसे दिए सेवेंटी के तक सेवेंटी के दिए और 5 गिव अवे इसमें वैसे भी आपके 1 मिलियन बहुत ही नजदीक है थैंक यू
सो गाइस अभी ना मैं आया शाकिर के घर, तो मैंने सोचा ये रात को यहीं स्टे करते हैं, बिकॉज लेट बहुत ज़्यादा हुआ। गगन भी अपने घर चला गया, शोला भी घर चला गया, तो अभी शाकिर के घर हम आए, डिनर किया हमने। तो मैंने सोचा शाकिर से मैं एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बोलते हैं कि शाकिर जो है ना वो फेक गिव अवे करते हैं और फिर स्टोरीज लगाते हैं, शाकिर एंड गगन एक्सपोज्ड। असल में हकीकत क्या है, चलो शाकिर से ही पूछ लेते हैं हम। रियलिटी ये है कि हमने अभी तक 60,000 to 70,000 हमने गिव अवे कर दिया है। अच्छा, तो जो सबसे पहले स्क्रीनशॉट, कोई पजल होती है अगर वो स्क्रीनशॉट पहले सेंड करता है या मैसेज करता अच्छा, है पहले, तो हम गिव अवे उसी को दे देते हैं। अच्छा, जो पहले भेजेगा, जो सबसे पहले करता है, ये है इसकी रियलिटी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और जिनको लगता है कि झूठ है बाकी ये, वो हम पहले ही बोल देते हैं, जिनको झूठ लगता है कि वो दो रहे इस गेम में से। है ना, आलमा को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ, आलमा गई है घर, आई एम जस्ट रियली मिसिंग घर। तो कल मैं एक चैलेंज करने जा रहा हूँ शाकिर एंड गगन के साथ, देखते हैं वो चैलेंज हमारा पूरा होगा या कौन सा चैलेंज नहीं, वो तो कल ही, कल के व्लॉग में बोलेंगे हम, है ना। बाकी ये था आज का व्लॉग, होप आप सब लोगों ने आज का व्लॉग एंजॉय किया होगा। प्लस में ये बोलूंगा, ये व्लॉग इधर ही एंड करते हैं। खुश रुजू, खुशहाल रुजू, कश्मीर ऑलवेज जिंदाबाद। अल्हम्दुलिल्लाह।